लेके आई हूँ। तो गाइस इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपको समय, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम। तो टाइम को हम लोग बहुत अलग अलग टाइप से बोलते हैं, जैसे कि सेकेंड, मिनट, घंटा। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड। सेकंड हम लोग जो बोलते हैं ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकंड। मिनट, मिनट। घंटा को आवर। दिन, डे। रात, नाइट। सुबह, मॉर्निंग। शाम, इवनिंग। दोपहर, नून या मिड डे। गाइस हम लोग दोपहर को नून भी बोलते हैं या मिड डे भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या है, दोपहर बाद, आफ्टरनून। गाइस बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दोपहर को हम लोग आफ्टरनून बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोपहर जब 12 बजता है तो उसको नून बोलते हैं या मिड डे बोलते हैं। और दोपहर बाद, मतलब दोपहर है ना, 12 बजे के बाद जो टाइम होता है 1-2, उसको आफ्टरनून बोलते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर सप्ताह, सप्ताह या हफ्ता। तो सप्ताह या हफ्ता को क्या बोलते हैं, वीक। फिर महीना, मंथ। फिर साल या वर्ष, ईयर। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का, 100 सालों का संबंध, जैसे कि 100 साल बीत गए, उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी, है ना। फिर ये क्या है, आज, जो आज है, जैसे कि आज मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज को क्या बोलेंगे, टुडे। फिर ये कल, आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो। और बीते हुए कल, बीता हुआ को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। गाइस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों कल कल है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बीते हुए कल में टुमारो लिख देंगे और आने वाले कल में यस्टरडे लिख देंगे, ऐसा नहीं। आने वाले कल को क्या बोलेंगे, टुमारो, ये आपको हमेशा याद रखना है। और बीते हुए कल को यस्टरडे। फिर ये लास्ट वाला है, पखवाड़ा। तो गाइस बहुत लोगों को पखवाड़ा मतलब नहीं पता। तो पखवाड़ा मतलब क्या होता है, 15 दिनों का समूह, है ना। 15 दिनों को क्या बोलते हैं, पखवाड़ा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर्टनाइट। तो गाइस अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तुम्हारे वीडियो को जल्दी जाके लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।